guys, what's up? This is Salman and you are watching your YouTube cricket channel Depth of Cricket. Thanks for subscribing my channel and thanks for your relevant support. और आज का जो टॉपिक हमारा है वो थ्रोइंग पर है. थ्रोइंग भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं थ्रो में भी. आज वो हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और डोमिनेंट है क्रिकेट में. तो वो दो हैं, एक बुलेट थ्रो है, एक कैजुअल थ्रो है. कैजुअल थ्रो जब हम बहुत ही आराम से बॉल को रिसीव करके बॉलर या विकेट कीपर तक बॉल को पास कर देते हैं टाइम लेते हुए, उसको हम कैजुअल थ्रो करते हैं, इसमें फ्लाइट भी होता है. दूसरा है बुलेट थ्रो. बुलेट थ्रो कौन सा होता है? बुलेट थ्रो वो होता है जब हमें ये लगता है कि बैट्समैन क्रीज के बाहर है और हमें रनआउट करना है, या बैट्समैन रन ले रहा होता है, बॉल आपके हाथ में है, आपको रनआउट करना, तो वहाँ पे एक मोटिव होता है. वहाँ पे आप डायरेक्ट हिट या विकेट कीपर को डायरेक्ट बॉल देके या ग्राउंड की हेल्प लेके स्किट कराकर वहाँ पर हम तेज़ी से बॉल को थ्रो करते हैं रनआउट के लिए, उसको हम कहते हैं बुलेट थ्रो. तो दो तरह के थ्रो होते हैं, कैजुअल और बुलेट थ्रो. एक फील्डर जो है बॉल को पिक करता है किसी भी ग्राउंड की किसी भी कॉर्नर से या किसी भी डिस्टेंस से कवर कर बॉल को पिक करता है और बैक टू बॉलर या विकेट कीपर थ्रो करता है. तो थ्रो जहां पे करता है विकेट बॉलर या विकेट कीपर या कोई और फील्डर जो विकेट पर है, मेन टारगेट हमारा स्टंप होता है. स्टंप पे टारगेट करना और जहां से वो कर रहा है, इस टोटल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं. अब ये रेंज जल्दी भी कवर की जा सकती है और टाइम लेके भी कवर की जा सकती है. से फॉर एग्जांपल बैट्समैन भाग रहा है और आधी विकेट पर है, तो मैं यहाँ पर सोचूंगा कि ऐसा थ्रो करूँ जल्द से जल्द बॉल जो है लेस टाइम लेके ट्रेवल करके विकेट कीपर तक या डायरेक्ट स्टंप तक पहुँच जाए, राइट. इसको हम टोटल डिस्टेंस जो पैरेलल होता है इसको प्रोजेक्टाइल पे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज. अब 10 डिग्री एंगल से फॉर एग्जांपल मैं थ्रो करता हूँ, 10 डिग्री मेरा एंगल, अगर मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ 10 डिग्री एंगल पे, तो बॉल कहीं मेरे पास में ही गिर जाएगा. सेम स्पीड से अगर मैं ऊपर फ्लाइट करता हूँ, 80 डिग्री एंगल पे फेंकता हूँ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, 80 डिग्री ज़्यादा टाइम लेगा. और इसी तरह अगर मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल से फेंकता हूँ, तो हमारा क्या है, स्पीड भी सेम है और एंगल बस फर्क है. एक 30 डिग्री से सेम स्पीड से फेंक रहा हूँ, एक 60 डिग्री से सेम स्पीड से फेंक रहा हूँ, तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसकी वजह से 60 डिग्री वाला डिले करेगा आने में, थ्रो यानी ऊपर से नीचे आने में टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से टाइम लगेगा नीचे बॉल आने में. 30 डिग्री वाला जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन दोनों ही हमारे लिए यूजलेस है. 10 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री सब यूजलेस है. हमारे लिए बेस्ट जो थ्रोइंग एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री. 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जो हर थ्रोइंग इवेंट में मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करने के लिए किया जाता है और एक्यूरेट डिस्टेंस अचीव करने के लिए. तो हम पैरेलल थ्रो करने की कोशिश करते हैं क्रिकेट में, हम पैरेलल थ्रो करते हैं ना कि फ्लाइट करते हैं. ध्यान रखिए 45 से बियॉन्ड और 45 से पहले जितने भी हम थ्रो करते हैं, जितने भी एंगल बनाकर थ्रो करते हैं, वो सब हमारे लिए यूजलेस है. तो 45 डिग्री इज़ द बेस्ट एंगल.